हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये जो चार फार्मूला है इसे कैसे बनाया गया है। ये पाइपिंग या फिर स्ट्रक्चरल में यूज होने वाला ये फार्मूला है। 3.142 जो है सरकमफेरेंस कैलकुलेशन करने का ये फार्मूला है, और 25.4 जो है ये पाइप ओडी कैलकुलेशन करने का फार्मूला है। 38.1 जो है एल्बो सेंटर कैलकुलेशन करने का फार्मूला है, 90 डिग्री का एल्बो सेंटर जो निकाला जाता है। 1.414 जो है ट्रायंगल कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है। तो ये जो चारों है कैसे बनाया गया यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेटर में आना है। सबसे तो ये पहला वाला हम आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे आया 3.142 जो है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको ये जो पाई बटन जो आपको दिख रहा है, ये पाई बटन अगर आप सिर्फ कैलकुलेटर में इस तरीके से दबाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर निकल जाता है 3.1415। तो इसीलिए यहाँ पर ये 3.142 लिया गया है। तो ये जो होता है पाइप का सरकमफेरेंस यानी कि सीएफ कैलकुलेशन करने के लिए होता है। अगर आपको पाइप का ओडी पता है, जैसे मान लीजिए कि पाइप का ओडी या फिर सरकमफेरेंस का ओडी आपको पता है, जैसे मान लीजिए 500 डायमेंशन है ओडी डायमेंशन, उसमें गुना करते हैं 3.142 से तो उसका सरकमफेरेंस डायमेंशन निकल जाता है, राउंड डायमेंशन 1 मीटर 571 mm। इस तरीके से आप उसका राउंड डायमेंशन निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला के जरिए। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं 25.4 जो है ये ओडी कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे कोई एक सरकमफेरेंस है, जैसे कोई गोलाई है या पाइप हो या फिर कोई लेआउट हो और उसका ओडी डायमेंशन हमें पता करना है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि वो 12 इंच से ऊपर वो डायमेंशन होना चाहिए। जैसे अगर पाइप का ही कर रहे हैं तो वो 12 इंच से ऊपर वो डायमेंशन होना चाहिए। जैसे 14 इंच का है, 14 इंच लेंगे और उसमें गुना कर देंगे 25.4 से तो वो पाइप का ओडी निकल जाता है कि उसका पाइप का ओडी कितना रहेगा। लेकिन ये जो है 25.4 जो है ये इंच जो टेप होता है, मेजरमेंट टेप, उसी का ये 25.4 लिया गया है। एक इंची जो मेजरमेंट टेप में देखेंगे कि एक इंच के बराबर कितना mm होता है तो वो होता है 25.4। मेजरमेंट टेप में जो 25.4 होता है एक इंच का, यह उतना बराबर लिया गया है, एक इंच के बराबर 25.4 ये लिया गया है। तो ये जो है पाइप का ओडी निकालने के लिए तभी काम करता है जब 12 इंच से ऊपर हो। 12 इंच तक का ये काम नहीं करेगा, 12 इंच से ऊपर का ये काम करता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लिया गया है, एक इंच के बराबर का ये mm लिया गया है। अब यहाँ पर ये जो है 38.1 जो है 38.1 जो एल्बो सेंटर निकालने का फॉर्मूला है, इसको कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री का एल्बो सेंटर का फॉर्मूला बनाना है तो आपको 90 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देना है। 90 डिग्री डिवाइड करना है 2 से तो यहाँ पर आएगा 45 डिग्री। उसके बाद लेना है आपको 10 और इसमें डाल देना है 45 और ब्रैकेट लगा देना है और इनटू करना है और यहाँ पर आपको डालना है। तब आपको ये देखना है कि जो एल्बो सेंटर है वो कितने रेडियस का है, कितने रेडियस का आप मतलब कि बनाना चाहते हैं। तो होता है एक स्टैंडर्ड रेडियस, एक लॉन्ग रेडियस होता है, एक शॉर्ट रेडियस होता है। तो हम लॉन्ग रेडियस का, यहाँ पर स्टैंडर्ड और लॉन्ग दोनों सेम ही होता है तो इसका 1.5 होता है, इसके आपको लेना है, ये 1.5 लेना है। स्टैंडर्ड और लॉन्ग ये दोनों में यूज होता है। उसके बाद इनटू कर देना है और उसके बाद एक इंच का डायमेंशन लेना है, जैसे 25.4 लेना है एक इंच का डायमेंशन। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 38.1। इस तरीका से ये फॉर्मूला है। आप ये कितने भी डिग्री का बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 40 डिग्री एल्बो सेंटर का फॉर्मूला बनाना है या फिर 60 डिग्री एल्बो सेंटर का फॉर्मूला बनाना है। तो 60 डिग्री के बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 60 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरीके से आपको 10 लेना है और उसमें लेंगे 30 डिग्री और ब्रैकेट लगाएंगे और इनटू करेंगे। यहाँ पर आपको लेना है रेडियस, स्टैंडर्ड लेना है यानी कि लॉन्ग रेडियस मान लीजिए बनाना है तो आपको 1.5 लेना होगा, इससे भी ज़्यादा लॉन्ग रेडियस होता है। मान लीजिए लॉन्ग लेना है तो 1.5 लेंगे और उसमें फिर से इनटू बटन डालेंगे और इसमें डाल देंगे एक इंच का mm डायमेंशन 25.4। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 21.99, यानी कि 22 आप ले सकते हैं 22। तो ये आपको क्या होगा कि 60 डिग्री का एल्बो सेंटर इसके जरिए आप निकाल सकते हैं। तो ये 60 डिग्री का एल्बो सेंटर आप बना सकते हैं इस तरीका से। तो उसके बाद ये वाला जो है 1.414 ये कैसे आया हुआ है, ये ट्रायंगल डायमेंशन कैलकुलेशन करने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो रूट का बटन आप जो देख रहे हैं इसको आप दबाएंगे और इसमें ब्रैकेट लगा करके इसमें 2 अगर टाइप करते हैं, 2 देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया आंसर 1.414। तो ये 1.414 ये 2 का मान होता है, 1.414 ये आंसर इस तरीके से आया हुआ है। और ये यूज कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई 45 डिग्री का ट्रायंगल है इस तरीका का और उसमें दोनों तरफ का डायमेंशन यानी कि 600 और 600 दिया गया है तो आपको लेना है 600 डायमेंशन और इसमें इनटू कर देना है और 1.414 से गुना कर देंगे तो उसका ट्रायंगल डायमेंशन निकल जाएगा 848.4, यानी कि 848.4 mm यह डायमेंशन निकल जाएगा ट्रायंगल डायमेंशन। इस तरह से ये यूज कर सकते हैं।
इसी तरीके से ये सब फार्मूला जो है बनाया गया है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे।